नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजस्थान के बीकानेर जिले के दौरे पर आ रहे पीएम मोदी सेना के विमान से एक्सप्रेसवे पर लैंड नहीं कर पाएंगे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को विमान की लैंडिंग या टच डाउन के लिए दुरुस्त नहीं पाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सप्रेसवे पर विमान उतारने के लिए एयर स्ट्रिप नहीं है, साथ ही उस एरिया में हाई टेंशन लाइनें भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से सेना के विमान को एक्सप्रेसवे पर नहीं उतारा जा सकता। लॉर्ड्स टेस्ट में जॉनी ब्रेयस्टो की विवादास्पद स्टंपिंग के बाद उठे तूफान से लगभग तय है कि आज से हेडिंग्ले में शुरू होने जा रहा तीसरा एशेज टेस्ट सामान्य नहीं होने जा रहा है। सीरीज में 0-2 से पिछड़ी इंग्लैंड की इस टेस्ट में प्रतिष्ठा दांव पर होगी। चमोली कोतवाली के थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि बाजपुर में हाईवे के ऊपर चट्टान से रुक रुक कर पत्थर छूट रहे हैं। पत्थरों की बौछार से यहां वाहनों की आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। वहीं चमोली जनपद में देर रात से हो रही बारिश अभी भी जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका में पहाड़ी से मलबा आने के कारण सुबह 7 बजे फिर बंद हो गया है, जिससे हाईवे के दोनों ओर से वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। अमेरिका के लिए भारतीय सौर ऊर्जा उद्योग एक मिसाल बन गया है। भारत की सफलता का हवाला देते हुए शीर्ष अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से जलवायु परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया है। सांसदों ने बंगा को लिखे एक पत्र में कहा कि हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि आप समस्याओं से रूबरू हैं और आशा करते हैं कि बैंक इन चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित और मजबूत प्रतिक्रिया देगा। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा आधुनिक तकनीक से लैस होगी। सुरक्षा का ऐसा खाका खींचा जा रहा है जिससे रामलला के भक्तों को असुविधा न हो। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का नया प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी शासन की ओर से CISF को सौंपी गई थी। सियासी संकट के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों से पार्टी के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में पार्टी के टूटने के बाद शरद पवार इस बैठक के जरिए NCP के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत हुई है। निफ्टी भी सपाट ढंग से लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में IT और मेटल सेक्टर में बिकवाली से बाजार पर दबाव दिखा। हालांकि बाजार में शुरुआती कमजोरी के बाद निचले स्तरों से खरीदारी दिखी और सेंसेक्स व निफ्टी हरे निशान पर लौट आए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में इंटरनेट बंद वाली याचिका भी खारिज कर दी है। दिल्ली में प्रशासकों पर नियंत्रण के लिए लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने अध्यादेश आने के तुरंत बाद ही कह दिया था कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक केतन मेहता अपनी फिल्मों को लेकर जाने जाते हैं। केतन और कंगना की लड़ाई जग जाहिर है। दोनों किसी न किसी मौके पर एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं। अब काफी समय के बाद केतन ने एक बार फिर कंगना की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी पर टिप्पणी कर उसे अंतरराष्ट्रीयवादी बताया है। खबरों में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ।